दोस्तों इंडिया में आप लोगों ने टाटा हैरियर के बारे में सुना भी होगा, उसे देखा भी होगा और कईयों ने उसे चलाया भी होगा, पर आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा की हैरियर के बारे में। टोयोटा हैरियर एसयूवी के नए मॉडल की इमेजेस ऑनलाइन लीक हुई हैं। लीक इमेजेस से साफ हुआ है कि न्यू जनरेशन मॉडल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे उसके डिज़ाइन और स्टाइलिंग में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हैरियर नाम से जो एसयूवी टाटा बेचता है वो 2019 में लॉन्च की गई थी और वहीं टोयोटा की हैरियर पहली बार लॉन्च हुई थी 1997 में। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑटोवेज पे और आज हम बात करेंगे टोयोटा हैरियर एसयूवी के बारे में और जानेंगे उसके फोर्थ जनरेशन मॉडल के बारे में कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एक्सटीरियर्स और लुक्स के बारे में। लीक्ड इमेजेस में साफ हुआ है कि नई टोयोटा हैरियर में स्लीक क्रोम ग्रिल, शार्प लुक वाले एलईडी हेडलैम्प्स और नए एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। सामने की तरफ लंबा बोनेट, स्लीक रूफ लाइंस, पतली रियर विंडो एसयूवी के लुक को काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं और साथ ही पीछे की तरफ एलईडी टेल लैंप्स के भी डिजाइन को चेंज किया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल लुक्स वाइज ये काफी अट्रैक्टिव कार लगती है देखने में और अपने पिछले जनरेशन मॉडल से काफी ज्यादा चेंज है इस बार। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं टोयोटा हैरियर के इंटीरियर्स के बारे में। नई टोयोटा हैरियर के इंटीरियर्स काफी प्रीमियम है। कैबिन में रियर व्यू मिरर में इंटीग्रेटेड डैश कैम दिया गया है। एसयूवी में इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, प्रीमियम लेदर सीट्स, फ्रंट सीट वेंटिलेशन के साथ मेमोरी सीट्स हैं, ऑप्टिट्रॉन मीटर के साथ कलर एमआईडी, ऑटो डिमिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक रियर व्यू मिरर, पावर एडजस्टेबल टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग और साथ ही स्मार्ट स्टार्ट और एंट्री सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे हमें। तो दोस्तों इंटीरियर्स वाइज काफी प्रीमियम फिनिश देने की कोशिश की है टोयोटा ने, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रहा है और इसका ऑल ब्लैक कैबिन काफी प्रीमियम लगता है देखने में। तो दोस्तों इंटीरियर्स वाइज काफी अच्छी लग रही है फिलहाल देखने में टोयोटा की हैरियर। दोस्तों कई रिपोर्ट्स का दावा है कि नई टोयोटा हैरियर मौजूदा मॉडल से काफी बड़ी होने वाली है। तो अगर इस वजह से देखें दोस्तों तो टोयोटा की हैरियर में हमें थर्ड रो भी देखने को मिल सकती है। न्यू जनरेशन मॉडल को नए टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया गया है, जो कि अपनी सेफ्टी और वर्सेटैलिटी के लिए काफी फेमस है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर काफी डिफरेंट साइजेस के एसयूवीज को तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों अब अगर सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो टोयोटा की नई हैरियर सेफ्टी के लिए SRS एयरबैग्स, ABS फ्रंट और रियर सेंसर्स, प्री कोलिजन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डायनेमिक रेडार क्रूज कंट्रोल, अडैप्टिव हाई बीम सिस्टम, बैक असिस्ट और लेन डिपार्चर सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे हमें नई टोयोटा हैरियर में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेफ्टी के हिसाब से एक तो इसका प्लेटफॉर्म भी बहुत ही बेहतरीन है और उसके बाद से ये सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सेफ्टी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है टोयोटा ने इस गाड़ी में। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन और पावर के बारे में। न्यू जनरेशन टोयोटा हैरियर में 2.0 लीटर डायरेक्ट इंजेक्टेड डायनेमिक फोर्स पेट्रोल इंजन का यूज है, जो कि टोयोटा की RAV4 से लिया जाएगा। ये इंजन 172 PS का पावर और 203 Nm का टॉर्क जनरेट करने में कैपेबल है। और इसी के साथ कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि नई हैरियर में कैमरी सिडान वाला 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है हमें, जो कि 211 PS की पावर प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। तो दोस्तों इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ बातें नहीं क्लियर हैं उतनी, पर टाइम बीतने के साथ ही कंपनी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट जरूर करेगी इसके इंजन को लेकर। नई टोयोटा हैरियर का ग्लोबल डेब्यू इस साल जून में होने की उम्मीद है। इसी साल से सबसे पहले जापान में लॉन्च किया जाएगा और जिसके बाद दूसरी एशियन कंट्रीज में इसको लॉन्च करेगी टोयोटा। और वहीं अगर इंडियन मार्केट में इसके लॉन्च की बात करें तो टोयोटा का अभी कोई भी प्लान नहीं है हैरियर को इंडिया में लॉन्च करने का, पर उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया में बढ़ते एसयूवी मार्केट को देखते हुए टोयोटा इस एसयूवी को जरूर लॉन्च करेगी इंडिया में इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स जो अब तक सामने आई है नई टोयोटा हैरियर के बारे में। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस टोयोटा हैरियर के बारे में हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस गाड़ी से रिलेटेड या फिर किसी और भी गाड़ी से रिलेटेड तो वो हमसे जरूर पूछें। तो दोस्तों एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो गुड बाय।